अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। जैसा कि आपने इंट्रो देख ही लिया है, तो मैंने दराज से कुछ क्लॉक बाय किए हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। तो जल्दी से इनकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद ही आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगी और इनका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ये मुझे किस प्राइस में मिले हैं और उसके साथ साथ ये वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपके लिए भी ये वर्थ बाइंग है या नहीं, आप इनको बाय कर सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं, इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इनको इंस्टॉल करेंगे, फिर आपके साथ मुकम्मल इनकी डिटेल शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये दो वॉच रिसीव हुई हैं, इनको मैं ओपन कर रही हूँ। दो अभी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह आज ही मिल जाएंगी। जैसे ही वो मिलेंगी फिर आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तो जल्दी से पहले इसको सेट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने जी इनके बैक साइड पे जो होता है वॉल का, यानी कि डायल वगैरह सेट करने वाला, वो मैंने लगा दिया है। और इसकी जो पिन्स होती हैं वो भी मैंने सेट कर दिया। अब जी इनको वॉल पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा ये सेट हो गया है। और इसके अलावा ये जो आपको गोल्डन गोल्डन डॉट इसमें से नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने खुद लगाए हैं, क्योंकि अयान मुझे बार बार कह रहे थे मम्मा हमें कैसे पता चलेगा टाइम का यहाँ पे, तो यानी कि 12 है, उसके अलावा 6 है, 9 है, 3, बाकी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने थोड़ी सी स्पेस के साथ 1, 2 और उसके बाद 3 है, फिर 4, 5, 6, 7 इस तरीके से मैंने डॉट लगा दिए ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। और ये मैंने खुद यानी कि सेट की है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मुझे तो खूबसूरत लग रही है और इतने कम प्राइस में, सिर्फ 300 रुपये में मैं कहती हूँ एक वॉच मिल जाए, बहुत ही कमाल की बात है। और जो दूसरी है वो भी मैं इंस्टॉल नहीं कर रही क्योंकि दो और वॉच आ रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसमें से देखूंगी तो फिर दूसरे रूम में लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा दराज में से जो हमने चीज़ें बाय की हैं उनका रिव्यू है। लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं आप पिक्चर साथ अटैच कर दूँगी, यहाँ पर दो और बटरफ्लाई थी, 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। उन्होंने वो 2 बटरफ्लाई तो नहीं दी लेकिन 3 हमें दे दिया, तो मैंने फिर 3 लगा दिया। 2 जो बटरफ्लाई थी वो मिसिंग है, पता नहीं उन्होंने दी है या नहीं दी या क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा पहले मैं कंप्लेन करूँ, मैं रिप्लेस करवाऊँ इसको दोबारा, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, 300 रुपये में क्या मिलते हैं आजकल के दौर में। उन्होंने फिर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं तो यही बड़ी बात है। तो मैंने फिर लगा दी और सेट कर दी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है जी। तो उसके अलावा एक हमारे पास ये वाली वॉच है, इन सब की पिक्चर्स मैं साथ साथ अटैच कर दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैंने कौन कौन सी वॉच मंगवाई है। ये 3 जो वॉच हैं ये तो बिल्कुल ठीक आई हैं, जैसे कि एक ये और एक ये वाली और एक ये जो मैंने अपने बेडरूम में लगाई है, ये 3 वॉच बिल्कुल सही आई हैं। लेकिन एक जो वॉच है जो कि मैंने ऐसे यानी कि बाहर यानी कि ड्राइंग रूम वाले एरिया के लिए मंगवाई थी, तो वो जो है वो ख़राब निकली है। उसकी एक तो ये यानी कि बैक साइड वाली काम नहीं कर रही और उसके अलावा उसमें काफ़ी कुछ ना यानी कि ये जो वुडन है ना वो टूटी हुई निकली है। मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, ये देखिए यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी ये क्रैक था, यहाँ से भी क्रैक है। और इसके अलावा यहाँ से ये जो ना वॉल क्लॉक होता है ना उसके ऊपर ये थी स्पैरो है या पीछे ना कुछ भी है, ये भी ना टूटा हुआ था। तो यहाँ पे जो क्लॉक लगेगा ना उसकी यानी कि जो अंदर वाली है ना क्लॉक चल ही नहीं रहा वो, तो मैंने फिर ये यहाँ पे ना लगा दिया। तो बस ये इस तरह से है, लग अच्छा रहा है लेकिन यहाँ पे क्लॉक लगेगा, वो मैं सही करवा के फिर यहाँ पे लगाऊंगी। और पहले मैं ना वो भी रिटर्न का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि 300 रुपये में आपको पता है क्या आजकल के ज़माने में मिलता है, मैंने फिर रिटर्न नहीं की, मैंने कहा उसे सेट करवा के ना यहाँ पे लगा दूँगी। ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया, ये देखिए ये वाला जो क्लॉक है ना ये अब यहाँ पे लगेगा, अब ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो एक ये वाली मंगवाई थी जिसके साइडों पर सारे ना यानी कि पॉलर के लिए मैंने ये मंगवाई थी, इस रूम में यानी कि पॉलर की सेटिंग करनी है। और ये इसमें लड़की लिपस्टिक लगा रही है, कोई ब्लश ऑन लगा रही है और साथ हार्ड मिले हुए हैं, इसको मैंने यहाँ पे वॉल पे अटैच करना है। क्योंकि पहले मैंने ये जो बाइल लगाई ना वो मैंने यहाँ पे लगाई, मैंने बगैर सोची मैंने कहा ये बिल्कुल जैसे पहली वाली ठीक होगी ना दूसरी वाली भी ठीक ही निकली होगी ना। तो मैंने जब वो इंस्टॉल करना स्टार्ट की तो उसके पार्ट भी कुछ यानी कि मिसिंग थे और उसके अलावा वो यानी कि टूटी भी हुई थी, जुड़ नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा चलो खैर है उसको बाहर वाले एरिए में लगा देते हैं, अगर नहीं भी वहाँ पर क्लॉक लगता तो फिर भी यानी कि ठीक रहेगी वहाँ पर भी ना।
तो फिर ये वाली मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगा दूँ, और इसके अलावा एक ये बच रही है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं ये यहाँ पे लगाऊँ या वो वहाँ पे लगाऊँ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ एक अभी रख लेती हूँ, काम आ जाएगी, ये भी बहुत प्यारी है ना, तो अभी देखते हैं, सोच रही हूँ यही लगा देती हूँ। खैर अरे दोबारा से फिर मंगवा लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो जल्दी से इसको भी सेट करती हूँ। अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है सेट करने वाला, तो यहाँ पे इस रूम में ना हम लगा रहे हैं बेड। पहले हमारा यही इरादा था कि यहाँ पे हम बेड वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा था इस रूम को मैं पार्लर ही बनाऊंगी, लेकिन आपको पता है शादी होने वाली है मेरी नंद की, और यहाँ घर पे स्पेस थोड़ी सी कम रह जाती है, क्योंकि सामने रूम मेरा हो जाएगा, बाकी नीचे यानी कि भाभी और अम्मी वगैरह का रूम है, और एक्स्ट्रा सिर्फ एक कमरा नीचे है। तो हमने सोचा चले एक बेड इस कमरे में भी लगा लेते हैं, ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पर भी लेट सकें। ठीक है, तो मेरे इधर साइड पे यहाँ पे मिरर लगाएंगे, यहाँ पे यानी कि चेयर्स वगैरह होंगी, और उसके अलावा इधर मैंने सर्टिफिकेट लगाए हैं अपने, एक बड़ा शीशा यहाँ पे इंस्टॉल करवाऊँगी। तो बस इस तरीके से ना यहाँ पे अभी कर्टन वगैरह आने हैं, वो इंशाल्लाह फिर वो सारी जब सेट हो जाएंगे ना फिर मैं आपको सारा रूम दिखाऊँगी, अभी तो बहुत ज़्यादा मैस है, तो जल्दी से इनको सेट करके फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये जी ये घड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है, अब जी इसको जल्दी से करते हैं, इस टेप को रिमूव करते हैं और देखते हैं फाइनल इसका क्या रिजल्ट आया है। चलो ना, लो ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, चलो खैर कोई नहीं, ये मैंने ना पिन्ने बाद में लगानी थी, इसकी जो सुइयां होती हैं वो मैंने पहले लगा दी। ये लग गई यहाँ पे, अब जी इनके स्टिकर्स रिमूव करते हैं। मैं ये स्टिकर इनके रिमूव करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी हमारा हमारा जो क्लॉक है वो सेट हो चुका है, मैंने इसको सेट कर लिया, और इसके ऊपर जो रैपर्स थे वो भी मैंने उतार दिए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं इसका टाइम सेट कर देती हूँ, और एक जो बची हुई है वो उसे ऐसे ही रख लेंगे, वो भी बहुत प्यारी है, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह से और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जल्दी से ये जो गंद मैंने डाला हुआ है ना ये सारा उठा लेती हूँ, बहुत मैस हो रहा है। अभी वो जो बेड जोड़ने वाले भाई हैं ना उन्होंने भी आना है, तो जब वो बेड जोड़ेंगे तो तब भी हम यानी कि व्लॉगिंग थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं और जाके खाना खाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, आज हमारी काम वाली नहीं आई इसलिए इतना ज़्यादा मैस हो रहा है, तो उस पहले सफाई करेंगे फिर जाके खाना खाएंगे। अल्लाह हाफिज़।